हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका 4 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। हर एक मार्वल फैन का सपना होता है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद उनके फेवरेट सुपर हीरो की मूवी आए, चाहे वो आयरन मैन 4 हो चाहे वो कैप्टन अमेरिका 4 हो। आज का जो वीडियो है वो एक आइडिया के ऊपर और एक यूनिक आइडिया से बनती एक यूनिक मूवी, जैसे कि एग्जाम्पल सिविल वॉर। उसका बनाने का आइडिया था रूसो ब्रदर का और आज कैप्टन अमेरिका 4 बनाने का आइडिया दिया है रॉस ने, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवी और एवेंजर्स एंड गेम जैसी बड़ी मूवी जिन्होंने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कमाया, उसमें रेड स्कल कैरेक्टर प्ले करने वाली रॉस ने एक यूनिक आइडिया दिया है। उन्होंने बोला कि आप एवेंजर्स एंड गेम के बाद कैप्टन अमेरिका 4 इजिली बना सकती हो, पर वो आइडिया उन्होंने जो दिया बहुत ही अच्छा दिया। बट उससे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जो रॉस ने आइडिया दिया है, जो कि रेड स्कल का कैरेक्टर प्ले करती हैं, मार्वल ने कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं दी है इसके ऊपर और उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो कैप्टन अमेरिका 4 बनाएंगे। ये सिर्फ रॉस का आइडिया है जो कि रेड स्कल का कैरेक्टर प्ले करती है। उन्होंने आइडिया ये दिया है कि कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स एंड गेम में जब टाइम ट्रेवलिंग करके पीछे इन्फिनिटी स्टोन्स को रखने जाता है तो उसके साथ क्या हुआ, और देन उन्होंने सारे इन्फिनिटी स्टोन को कैसे कैसे रखा और साथ ही साथ जब वो रेड स्कल से मिलता है तो उसने क्या करा मिलकर। तो इसके ऊपर एक ऑफिशियली मूवी बन सकती है जिसका नाम उन्होंने बताया कैप्टन अमेरिका रिटर्न ऑल इन्फिनिटी स्टोन्स। और बात करी जाए एवेंजर्स एंड गेम की तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी हिंट देखने को मिलती है। तो सबसे पहली हिंट देखने को मिलती है जब यहाँ पर फैल्कन कैप्टन से बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, तो कैप्टन बोलते हैं कि ये काम मेरा है, मैं ही इसे संभालूंगा। उसी के साथ जब कैप्टन दूसरे सीन में बोलते हैं बकी को कि तुम कोई गलती मत करना मेरे आने से पहले, तो उसका मतलब साफ है कि कैप्टन को इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा। उसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट सीन में जब कैप्टन अमेरिका तैयार होते हैं टाइम ट्रेवलिंग करने के लिए वाकांडा टेक्नोलॉजी को लेकर, तो उसी के साथ उनके आप देखेंगे ब्रीफकेस में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स और थोर का हथौड़ा भी होता है। और यहाँ पर फैल्कन बोलता है कि शायद उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, पर हल्क बोलता है कि नहीं, उसे कितना टाइम लग जाए उससे कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ पर हम 5 सेकंड गिनेंगे। और कैप्टन अमेरिका को ये बात समझ में आ जाती है और वो आराम से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करता है और देन उसे जो काम करना होता है वो करता है। और हम एंड में देखते हैं 5 सेकंड बाद कि कैप्टन अमेरिका रिटर्न तो होते हैं पर ओल्ड हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, यानी कि उम्र उनकी होती है अराउंड 122 साल या 23 साल, अभी मैं एक्यूरेट मुझे पता नहीं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कैप्टन अमेरिका शील्ड दे देते हैं फैल्कन को और देन उनके हाथ में अंगूठी होती है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी हिंट होती है जो कि फ्यूचर की मूवी को दिखाती है कैप्टन अमेरिका 4, जिसमें कि फैल्कन पूछता है कि भाभी के बारे में नहीं बताओगे, क्या है स्टोरी? तो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका मना कर देते हैं कि नहीं, ये स्टोरी कभी और दिन। और यहाँ पे हमें सबसे बड़ा ईस्टर एग मिलता है कि कैप्टन अमेरिका 4 आ सकती है, तो यानी कि इन फ्यूचर रॉस ने जो आइडिया दिया है कैप्टन अमेरिका 4 बनाने का वो हो सकता है पॉसिबली। और हम देखते हैं 1945 में कैप्टन पेगी के साथ किस कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को आराम से जी रहे हैं, तो ये एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो गई है जो कि इन फ्यूचर हमें कैप्टन अमेरिका की देखने को मिल सकती है। और रॉस ने जो आइडिया दिया है कि कैप्टन अमेरिका रिटर्न द इन्फिनिटी स्टोन्स, यानी कि हमें इसमें 2 पार्ट में 3 पार्ट में भी अगर स्टोरी दिखाई जाती है कि कैप्टन अमेरिका ने 1945 से लेकर 2023 तक एवेंजर्स एंड गेम तक क्या करा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। गाइस, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि रॉस ने जो आइडिया दिया है मार्वल को एक बार सोचना चाहिए इस पर मूवी बनाने का, और हर कोई चाहता है कि कैप्टन अमेरिका 4 आए और हमें ये मूवी देखने को मिले। मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका की मूवी बने, और काफ़ी लोगों का कहना है कि डिज्नी प्लस पर इसे शॉर्ट में रिलीज़ भी करा जा सकता है 40 मिनट के एपिसोड में, तो मैं तो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मूवी आए। तो गाइस, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या कैप्टन की शील्ड मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।